हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद पायल। आप सभी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 10 प्रेरणादायी विचार देखने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलो तो फिर आज के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। अ ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एमिनेंट वन इन दैट ही इज रेडी टू बी द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। लोग और उनके धर्म सामाजिक मानकों द्वारा सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यक मान लिया जाएगा तो और किसी मानक का मतलब नहीं होगा। पीपल एंड देयर रिलीजन मस्ट बी जज्ड बाय सोशल स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन सोशल एथिक्स। नो अदर स्टैंडर्ड वुड हैव एनी मीनिंग इफ रिलीजन इज हेल्ड टू बी नेसेसरी गुड फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हर व्यक्ति जो मिलके सिद्धांत कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता को दोहराता है, उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। एवरी मैन हु रिपीट्स द डोगमा ऑफ मिल दैट वन कंट्री इज नो फिट टू रूल अनादर कंट्री मस्ट एडमिट दैट वन क्लास इज नॉट फिट टू रूल अनादर क्लास। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। फॉर अ सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन इट इज नॉट इनफ दैट देयर इज डिसकंटेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ प्रोफाउंड एंड थरो कन्विक्शन ऑफ द जस्टिस नेसेसिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना लगाया गया हो। हिस्ट्री शोज दैट वेयर एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स कम इन कॉन्फ्लिक्ट विक्ट्री इज ऑलवेज विद इकोनॉमिक्स। वेस्टेड इंटरेस्ट हैव नेवर बीन नोन टू हैव विलिंगली डाइवेस्टेड देमसेल्व्स अनलेस देयर वॉज सफिशियंट फोर्स टू कंपेल देम। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता समानता और भाईचारा सिखाए। आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूँ। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। हिंदू धर्म में विवेक कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इन हिंदुइज्म कॉन्शियंस रीजन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग हैव नो स्कोप फॉर डेवलपमेंट। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित है वो स्वतंत्रता समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं, और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। इंडियंस टुडे आर गवर्न्ड बाय टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज। देयर पॉलिटिकल आइडियल सेट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स अ लाइफ ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। देयर सोशल आइडियल एम्बेडेड इन देयर रिलीजन डिनाइज देम। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।